मस्जिद पर चढ़ धार्मिक नारे लगाने वालों पर केस दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर गांव में मस्जिद पर चढ़कर नारेबाजी करने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि गहमर गांव की मस्जिद का गेट फांद कर कुछ लोग मस्जिद के ऊपर जा चढ़े और धार्मिक नारे लगाने लगे। पुलिस इसे दो पक्षों के बीच तनाव बढ़ाने का मामला मान रही है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक घटना 2 अप्रैल की है, जब स्थानीय निवासियों का एक समूह हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस निकाल रहा था। उसी समय दो युवक मस्जिद के अंदर पहुंचकर छत पर जा चढ़े और धार्मिक नारेबाजी करने लगे। गाजीपुर के गहमर में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवकों का एक समूह मस्जिद पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने के बाद झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजीपुर के SP राम बदन सिंह ने कहा कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि गांव में माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस के अनुसार गहमर गांव के निवासी प्रत्येक हिंदू नववर्ष की शुरुआत में राम कलश यात्रा निकालते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। करीब 1,25,000 की आबादी वाला गांव हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। गहमर थाना प्रभारी TL सेन ने द क्विंट को बताया कि 2 अप्रैल को गांव के लोगों ने राम कलश यात्रा निकाली थी। कलश यात्रा गांव के एक मस्जिद के पास पहुंची तो कुछ युवक उस मस्जिद पर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें डांटा तो युवक तुरंत नीचे उतर आए, लेकिन भीड़ में से किसी ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कभी अजान से परेशानी, कभी नमाज से परेशानी, तो कभी हिजाब से परेशानी। कुरान और हदीस में लिखा है कि इन सब चीजों से सिर्फ शैतान परेशान होता है। अब समझो कि जो परेशान है वो क्या है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, हिंदू हमारे भाई है क्योंकि वे इंसान है, और कोई भी सच्चा हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, इन संघी लंपटों का उद्देश्य सिर्फ दंगे करवाना होता है। जब इन लंपटों को कोई इनकी भाषा में जवाब दे तो इस देश की जनता मुस्लिमों को दोष देती है। क्या इन नमूनों को लोकतांत्रिक भाषा में समझाया जा सकता है? क्योंकि इस देश की सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन से इन्हें संरक्षण प्राप्त है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।